चैनल पर चल रहा है बहुत ही बड़ा गिव अवे, जिसमें आप जीत सकती हैं 5,000 रुपये तक के मेकअप प्रोडक्ट्स और एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल फेशियल मसाजर, जो हम गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। और इस गिव अवे में आप जो जीत सकती हैं वो है मैक के प्रोडक्ट्स, 2 आई शेडो पैलेट्स और एक फेशियल मसाजर, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट लेना चाहती हैं तो यहाँ आई बटन पर पॉप आउट होकर वो वीडियो आ रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट ले सकती हैं। और जिन जिन गर्ल्स ने मेरे उस गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है उनको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स, और मैं बहुत ही जल्द अपने गिव अवे का विनर अनाउंस करने वाली हूँ। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए और उस वीडियो में पार्टिसिपेट कर लीजिए। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well, and if you're new here, my name is Sanjana and you are watching the Glam Up Studio. So in this video I'm gonna be showing you that how to do perfect selfie makeup. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम गर्ल्स को सेल्फी लेना कितना ज़्यादा पसंद है, हम गर्ल्स जो होती हैं वो सेल्फी एडिक्टेड होती हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सेल्फी लेने से पहले अपने आप को कैसे ग्रूम करें, अपना मेकअप खुद से कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सेल्फी लेते वक्त बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत नेचुरल मेकअप खुद से घर पर कैसे करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो, बट बिफोर दैट टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस आउट एनी अपडेट्स। सो मेकअप करने से पहले हम अपने हेयर को अच्छे से सिक्योर कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया है अपने हेयर को अच्छे से सिक्योर, ताकि मेकअप करते वक्त हमारा हेयर जो है हमारे फेस पर ना आए और हम इजीली मेकअप कर पाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेल्फी मेकअप है, तो इस मेकअप को हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, इसे हम बहुत ज़्यादा नेचुरल रखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं इस मेकअप में किसी भी फाउंडेशन का यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक कंसीलर की हेल्प से ये पूरा मेकअप करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, और मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जॉनसन बेबी क्रीम, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट कर देता है आपके स्किन को। तो अगर आप ऑयली स्किन गर्ल है तो इसे स्किप कीजिएगा, अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप इसे यूज़ कर सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ मुझे मॉइस्चराइजर अप्लाई किए 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, और ये जो मेकअप है मैं पूरा कंसीलर से ही करूँगी। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ लिक्विड कंसीलर, और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कंसीलर है। ये जो कंसीलर है बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा, ये आपको अंडर 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। किसी भी ऑनलाइन ऐप पे आप इसे सर्च करके आप इसे परचेस कर सकती हैं, या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका परचेस लिंक दे दूंगी। तो अगर आपको ये कंसीलर लेना होगा तो आप वहाँ से परचेस कर सकती हैं। और मेरा जो इसमें शेड है वो है Beige 3, और ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन से मैच करता है। और अब इस कंसीलर को मैं अपने ऑल ओवर फेस पर अप्लाई कर लूँगी हल्का हल्का कर, क्योंकि ये मेकअप जो है हमें बहुत ज़्यादा नेचुरल रखना है। और ऑल ओवर फेस पर अप्लाई करने के लिए मैं एक्स्ट्रा नहीं लूँगी, इसके वेंट पर जितना ज़्यादा लगा हुआ रहेगा मैं उसे ही सिर्फ अपने स्किन पर अप्लाई कर लूँगी इसे। एंड यू कैन सी मैंने कितना थोड़ा सा अमाउंट लगाया अपने पूरे फेस पर, और इसे ही मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रेड करूँगी। और उसके बाद मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपने इस कंसीलर को बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है या फिर स्वाइप नहीं करना है, इस ब्यूटी ब्लेंडर को आपने इसे पैक करके ही लगाना है अपने फेस पर। ओके, सो अब मेरा पूरा कंसीलर जो है मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और अब मैं अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए ये बनाना पाउडर का यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड के कंटूरिंग पैलेट से। और ये जो कंटूरिंग पैलेट है उस पैलेट का नाम है कैरेमल टॉफी, और इस बनाना पाउडर को पिक करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेज स्पंज ले रही हूँ। आपने किसी भी ब्रश की हेल्प से भी आप लगा सकती हैं, बट मैं यहाँ पर स्पंज ले रही हूँ ताकि पाउडर का जो अमाउंट है हमारे स्किन पर जो है हमारे फेस पर जो है बहुत ही कम अमाउंट में डिपॉजिट हो। और हमें इसे टैप टैप करके इसे अच्छे से बैठा लेना है अपने स्किन पर। आपने बहुत थोड़ा यूज़ करना है कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि आपने अपने फेस को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं दिखाना है, हल्का सा नेचुरल ग्लो रखना है अपने फेस पर।
मैं यहाँ बस कंसीलर को सेट करने के लिए ही ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एंड दैट्स इट, हमारा पूरा फेस जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। और अब मैं अपने पूरे बेस को अच्छे से सेट करने के लिए ये सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये CVB का मेकअप फिक्सिंग मिस्ट है और मैं इसे अपने ऑल ओवर फेस पर अप्लाई करूंगी। आप लोगों को अभी मेरा नेक का कलर और मेरे फेस का कलर अलग लग रहा होगा, बट डोंट वरी, इसे अप्लाई करने के बाद ये दोनों कलर जो है बिल्कुल मैच हो जाएगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा मेरा ये मेकअप। यू कैन सी मैंने कितना ज़्यादा अप्लाई कर लिया है और मैं इसे अब अच्छे से एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि हमारा मेकअप जो है वो बिल्कुल नेचुरल लगे और हमारा मेकअप जो है बिल्कुल भी फेक ना लगे। जितना भी एक्स्ट्रा पाउडरी है हमारे फेस के ऊपर, जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है वो सारा ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो सोक कर लेगा, इसलिए हम इसे अच्छे से टैप टैप करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आपने इस पर बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है वरना आपका मेकअप जो है वो रिमूव हो जाएगा अपने जगह से। आपने बस टैप टैप करके ही इसे यूज़ करना है और बिल्कुल ही हल्का हल्का टैप टैप करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने फेस से एक्सेस पाउडर को रिमूव करना है और ये मेकअप जो है पूरा बैठ जाएगा इसे सेट करने के बाद। यू कैन सी कि मेरा फेस का कलर जो है वो मेरे नेक के कलर से लगभग 80% मैच कर रहा है और बाकी के 20% हम मेकअप करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद पूरा 100% जो है वो पूरे नेक के कलर से पूरा मैच हो जाएगा मेरा फेस का कलर। और आप लोग देख ही सकते होंगे मैंने अपने नेक पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, ना ही कोई कॉम्पैक्ट पाउडर और ना ही कोई फाउंडेशन, और आप लोग देख सकते होंगे और मेरा फेस का कलर जो है मेरे नेक के कलर से ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। और नेक्स्ट जो मैं अप्लाई करूँगी वो इसी सेम कॉम्पैक्ट पाउडर से, जो ये कंटूरिंग जो शेड है मैं इसे ही अपने एज अ ब्रॉन्जर मैं अपने चिक्स पर अप्लाई करूँगी। और उसके लिए हमें एक कंटूरिंग ब्रश की हेल्प से इसे पूरा अप्लाई करना है। आपने बस थोड़ा थोड़ा सा लेकर इसे एक्सेस डस्ट ऑफ कर लेना है और हमें इस कंटूरिंग शेड को अपने बिल्कुल चिक बोन के ये जो लाइन है उसके ऊपर ही हमें अप्लाई करना है, उससे नीचे अप्लाई नहीं करना है, ठीक उस लाइन के ऊपर हमें अप्लाई करना है। और अगर आपके फेस थोड़े चबी हैं तो आप अपने फेस को ऐसे करके भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं, बट मेरे फेस पर जो है वो इजीली मुझे एक लाइन नज़र आ जाती है अपने चिक बोन्स की, तो मैं उसी के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। और आपने इसे बहुत थोड़े अमाउंट में लेना है ताकि ये बिल्कुल हार्श लाइन ना बने, और इसे हमें एज अ कंटूरिंग शेड और एज अ ब्रॉन्जर दोनों हमें यूज़ करना है। तो मैंने पहले इसे अपने कंटूरिंग लाइन पर इसे अप्लाई किया है और उसके बाद अपने चिक्स पर अप्लाई करूँगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, हमें एक बस हल्का सा शेडो क्रिएट करना है अपने फेस पर ताकि हमारा फेस का डायमेंशन जो है वो अच्छे से समझ में आए। यू कैन सी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है मेरे फेस का वो वाइट लग रहा होगा और ये वाला हल्का सा ब्रॉन्जिंग लग रहा होगा। और इतना अमाउंट इनफ है आपके फेस के लिए। और अब मैं इसे ही अच्छे से ब्लेंड करूंगी और उसके बाद हमें अपने चिक्स पर ब्लश अप्लाई करना है। और ब्लशिंग के लिए मैं यहाँ पे किसी ब्लश का यूज़ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे ये लिपस्टिक ले रही हूँ जो कि पिंक कलर का है और ये बहुत ही खूबसूरत पिंक है। और ये जो लिपस्टिक है वो वेट एंड वाइल्ड का लिपस्टिक है, बुलेट लिपस्टिक है ये, और इसका जो शेड है वो है स्मोकिंग हॉट पिंक। और इसी लिपस्टिक को मैं अपने चिक्स पर एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी। आई नो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट मैं इसे ब्लेंड करके बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल लुक बनाऊंगी। पहले मैं इसे अपने फिंगर के हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी।
उसके बाद हमें डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यू कैन सी कितना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है हमारे चीक्स पर। जितना भी एक्सेस कलर है, जितना भी एक्सेस ये जो ब्लश है वो ये ब्लेंडर सोक कर लेगा। यू कैन सी कि कितना अच्छे से ब्लेंड हो चुका है हमारे ब्रॉन्जर के साथ। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रॉन्जर अलग लगाया है और ब्लश अलग है, दोनों एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं और कितना ज़्यादा इवन लग रहा है हमारा स्किन। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पाउडर ब्लश लूँगी सिर्फ अपने नोज़ पर अप्लाई करने के लिए और अपने चिन एरिया पर अप्लाई करने के लिए, ताकि हमारा फेस जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल पिंकी लगे। और ब्लश को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लशर ब्रश ले लूँगी और हमें बस हल्का सा अमाउंट में इसे पिक करना है। दैट्स इट, डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड देन हमें अपने नोज़ के बिल्कुल टिप पर इसे अप्लाई करना है, ताकि ये हमारा फेस जो है वो नेचुरल पिंकी पिंकी लगे। और उसके बाद सेम हमें इसी ब्लश को अपने चिन एरिया पर अप्लाई कर लेना है, अपने बिल्कुल इसे नीचे के एरिया पे अप्लाई करना है। तो दैट्स इट, हमारा फेस जो है पूरा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने आईज के ओर। तो आईज में सबसे पहले हम अपने आईब्रो की तरफ चलते हैं और आईब्रो के लिए मैं आज कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल्फी मेकअप दिखा रही हूँ, तो इसलिए हमें इस मेकअप को जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल लुक देना है। तो हम इसीलिए अपने आईब्रो को बिल्कुल भी फेक क्रिएट नहीं करेंगे। मैं बस अपने आईब्रोज को हल्का सा कॉम कर लूँगी। आप लोग देख सकते होंगे मेरे आईब्रो बहुत ज़्यादा मैसी दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो मैं इसे बस एक आईब्रो ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से कॉम कर लूँगी। अगर आप लोगों के आईब्रो जो है बहुत ज़्यादा थिन है तो आप एक काम कर सकती हैं कि आप अपने आईब्रो पर बस नेचुरल हल्का हल्का करके किसी भी पेंसिल के हेल्प से या फिर किसी भी डार्क पाउडर के हेल्प से बस अपने आईब्रोज के ऊपर उसे डार्क कर लेना है। उसे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं करना है आपके आईब्रोज को। और अब जो है मैं अपने आईब्रोज के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा पाउडर या फिर मेकअप लगा हुआ है मैं उसे हल्का हल्का अपने फिंगर के हेल्प से उसे रिमूव कर दूंगी। और उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को कॉम करूंगी, ताकि मेरे आईब्रो का जो नेचुरल कलर है वो अच्छे से इन्हेंस हो। और आप लोग देख सकते होंगे कि मेरा आईब्रो जो है वो कितना डार्क लग रहा है सिर्फ कॉम करने से, क्योंकि मेरा आईब्रो का जो नेचुरल कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। इसलिए मैं अपने आईब्रो पे जल्दी आईब्रो पेंसिल या फिर फेक आईब्रो ड्रॉ नहीं करती हूँ। और अब नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। बाय द वे, मैं यहाँ पे अपने आईज़ पर यानी कि आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ करूँगी। मैं अपने आईज़ को ऐसे ही नेचुरल रहने दूँगी, कोई भी कलर यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप चाहें तो हल्का सा लाइट ब्राउन ट्रांजिशन शेड या फिर जो ब्लश आप अप्लाई करें उस ब्लश को ही हल्का सा अपने आईलेट के ऊपर फिंगर की हेल्प से स्प्रेड कर लें हल्का हल्का बस। बट मैं यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक रखना है। सो मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क द हाइपर कर्ल इजी वॉश मस्कारा, और ये जो मेरा शेड है वो है वेरी ब्लैक। और यहाँ सेम मैं इसी मस्कारा को अपने बॉटम लैश पर लगा लूँगी। सो फाइनली अब हम चलेंगे लिपस्टिक की ओर। और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हिलेरी रोडा की ये लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक, और इसका जो शेड है वो है 02 और ये बहुत ही लाइट पिंक कलर है। आप इसे न्यूड पिंक भी बोल सकते हैं और ये वन ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक है। लिपस्टिक को जो है हम बहुत ही हल्का हल्का एज अ टिंट हम अपने लिप पर अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क करके अप्लाई नहीं करेंगे, बहुत ही हल्का करके बस इसे टैप टैप करके इसे अप्लाई करना है अपने फिंगर की हेल्प से।
बेसिकली हमें अपने लिप्स को एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नेचुरल कलर प्रोवाइड करना है। यू कैन सी ये कितना ज़्यादा नेचुरल पिंक लग रहा है। सो दैट्स इट, हियर इज़ माई फाइनल लुक। और आप लोगों ने देखा होगा मैंने कितने इजी तरीके से ये सेल्फी मेकअप जो है वो क्रिएट किया है। तो आप लोग भी इस मेकअप को अपने घर पर आराम से क्रिएट कर सकती हैं। मैंने अपने हेयर को हल्का सा टॉन्ग किया है। आप चाहे तो स्ट्रेट भी कर सकती हैं, या फिर कोई हाई बन भी क्रिएट कर सकती हैं, या फिर कोई पोनीटेल भी बना सकती हैं। जैसा भी आपके फेस पर आपका हेयर सूट करे, आप वैसा हेयर को क्रिएट कर सकती हैं। आई होप यू लाइक दिस लुक, एंड इफ यू डिड देन प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो यू विल नेवर मिस आउट एनी अपडेट्स। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। और इसी पॉइंट पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का दी एंड, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।